Hey guys, assalamu alaikum. That's me, Mehkrub Qadri, and welcome back to my channel. So, janab, aaj main aapke saath ye makeup tutorial share karne wali hu. Ye hai glittery और ग्लोई ग्लैमरस मेकअप ट्यूटोरियल जो कि विंटर के लिए बड़ा बेहतरीन है और वो लोग जिनको ईजिएस्ट वे में ग्लिटरी लूज ग्लिटर्स को जो है अपनी आई मेकअप में यूज़ करना हो तो उनके लिए बेसिकली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि हमने जो है ग्लिटरी स्मोकी आईज़ बताओ विथ नॉट सो ब्लैक स्मोकी आई और समथिंग लाइक दैट. तो आज मैं आपके साथ जो है ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ईजी वे में. सो सबसे पहले जो है फेस को प्राइम करेंगे. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोई फेस ऑयल या मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिएगा. सो प्राइमर हम अप्लाई करेंगे हमारे ओपन पोर्स में. ओपन पोर्स को फिल करेंगे, अच्छे से प्राइमर अप्लाई करेंगे. देन उसके बाद आई विल अप्लाई फाउंडेशन. बुटायर का यूज़ कर रही हूँ. सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो कोशिश कीजिएगा विंटर्स में ऐसा कोई फाउंडेशन यूज़ किया कीजिए जो कि थोड़ा ऑयल बेस्ड हो, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट ज़्यादा हो, तो वो जो है आपका इवेंट बहुत अच्छे से चल जाता है, ग्लोई रहता है फेस, ड्राई नहीं होता और पैची लुक नहीं देता. तो मैं जो है इसको बहुत अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. देन मैं जो है हाईलाइट करूँगी, नॉट दैट वो चमकीला हाईलाइट, कंसीलिंग वाला हाईलाइट. सो उसके लिए मैं पुडायर की स्टिक यूज़ कर रही हूँ. इसको जो है मैं अच्छे से अपना जो हाईलाइट मुझे एरिया करने हैं वहाँ अप्लाई करूँगी. एंड देन मैं जो है पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की कोशिश की थी इसको, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक कंसीलर है, स्टिक है, सो फिर मैंने जो है अपने फाउंडेशन ब्रश से अपना कंसीलर ब्लेंड किया. देन उसके बाद जो है मैंने फिक्सिंग पाउडर से अपना बेकिंग टेक्निक यूज़ करते हुए पूरे फेस पर जो है पाउडर छोड़ दिया है, लेकिन वो मैं क्लिप मेरे पास से डिलीट हो गई है. सो या तो चलिए आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं. आई मेकअप में शुरू कर रही हूँ. आई मेकअप के लिए मैं जो है पुडायर की मिल्की वेज आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. आईब्रोज मैंने ऑफ कैमरा सेट कर लिए हैं और मैं जो है इस शेड से अपने क्रीज को बिल्डअप करूँगी. और कोई ब्लैक आई शेडो हम यूज़ नहीं करेंगे. वो लोग जिनको ब्लैक आई शेडो हैंडल करने नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी टेक्निक हो जाएगी अपने आईज़ को इन्हेंस करने की भी, खूबसूरत आई मेकअप करने की भी. सो फिर उसके बाद हम जो है ये वाला शेड लेंगे ताकि हमारा जो है थोड़ा सा डीपर हमारा थोड़ा सा स्मोक बिल्ड हो सके. तो इस कलर से थोड़ा सा जो है हम हमारे आई मेकअप को और डिफाइन करेंगे. देन उसके बाद मैं जो है लूज़ ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ. अच्छा, लूज़ ग्लिटर को यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि आप कोई आईलैश एडहेसिव लेके लिड पर लगा लो एंड देन फिर उसके बाद हाथ से जो है ग्लिटर उसके ऊपर रख दो तो बहुत अच्छे से परमानेंट सेट हो जाते हैं. मैं बाकी जो है मैं अपने पाउडर ब्रश से बफ कर दूंगी. ठीक है, पाउडर मैंने फेस पर रखा हुआ था उसको मैं साफ करूंगी सारा. तो मेरा जो है मेकअप का बेस जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है. देन ऑब्वियसली आई विल अप्लाई विंग लाइनर. इसका जो है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. अगर आपको विंग लाइनर लगाने नहीं आता है तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं फॉर ईजी टेक्निक्स. फिर उसके बाद अच्छी सी लैशेस लगाएंगे. हैवी लगा लें, लाइट लगा लें, इट्स ऑल अप टू यू. और आई विल डू कॉन्टोर. बहुत अच्छे से जो है कॉन्टोर करेंगे. नोज की कॉन्टोरिंग के लिए बहुत ईजी टेक्निक है. अगर आपका नाक मेरे जैसा है तो यू जस्ट हैव टू डू कि आपने पाउडर लेके जो है एक एक लाइन दोनों तरफ लगानी है और नीचे की तरफ से जो है ब्रश मार के अपने नाक को थोड़ा सा जो है शार्प बना देना है. ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ सिग्मा ब्यूटी का कोर दे रोज़ा. ये थोड़ा सा डीपर ब्लश है, लाइक बहुत ज़्यादा डार्क मरूनिश रेड किस्म का. तो मुझे जो है बिल्कुल रेड और पिंकिश इसमें ब्लश नहीं चाहिए. आई एम यूजिंग दैट यू नो लाइक वेरी वार्म टोन ब्लश. आई मेकअप कंप्लीट करेंगे, मस्कारा अप्लाई करेंगे, देन आँखों के अंदर जो है ब्लैक पेंसिल यूज़ करेंगे एंड देन फिर जो है हम हाईलाइट करेंगे. मैं यूज़ कर रही हूँ O2O का हार्ड हाइलाइटर. बहुत अच्छे से जो है हाईलाइट करने वाली हूँ. सिर्फ फेस को ही हाईलाइट नहीं करूँगी, अपने आँखों के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी और अपने ब्रो बोन को भी जो है इसी हाइलाइटर से हाईलाइट करूँगी ताकि जो है कंप्लीट प्रॉपर जो है एक लुक हमारा क्रिएट हो सके. देन आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक. आपके पास लिपस्टिक्स के दो ऑप्शन हैं. आप न्यूड पर भी जा सकती हैं या आप डार्क मरून पर भी जा सकती हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक चाह रही हैं तो यू कैन अप्लाई अ बोल्ड कलर, बट आई एम गोइंग विद द सबल लुक. मैं जो है पुडायर का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. ये थोड़ा सा ड्यूई लुक वाला है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फेस ग्लोई होना चाहिए. सो दैट्स आई एम यूजिंग दैट स्प्रे एज वेल. सो या दिस इज़ द फाइनल लुक. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा. बहुत ही ईजिएस्ट वे में मैंने जो है ग्लिटर को हैंडल करना समझाया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा मेरे ख्याल से ग्लिटर्स कैमरे पे डिसकलरेशन आपको नजर आ रही होगी, बट ये प्रॉपरली बहुत अच्छे से सेट हुआ हुआ है. सो या
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना। मेरे सारे ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स की लिस्ट में, और कुछ भी पूछना हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे वहाँ पर सवाल कर लेना, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू इन प्राइवेट। सो या दैट्स माय ग्रुप ऑफ कादरी, सिंगल ऑफ यू ऑल, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।